35 वर्ष वीर रायगढ़ नगर निगम में स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह स्वच्छता रथ शहर के सभी वार्डों में भ्रमण कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी रायगढ़ नगर निगम में स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह स्वच्छता रथ शहर के सभी वार्डों में भ्रमण कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। इस अवसर पर मेयर जानकी कारजो, एमआईसी सदस्य संजय देवांगन सहित अन्य एमआईसी सदस्य पार्षदगण एवं निगम कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर और एमआईसी सदस्य संजय देवांगन ने आम जनता से अपील की है कि सभी लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में जमा करें और स्वच्छता दीदियों को दें। अपने आसपास कूड़ा करकट नहीं फेंकने की अपील भी आम जनता से की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिशन क्लीन सिटी का सपना लेकर आगे बढ़ते हुए नगर निगम ने यह पहल की है। गौरतलब है कि हम सबके सहयोग से ही रायगढ़ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आ सकता है। इसके लिए अत्यंत जरूरी है कि हम सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। एशियन 24 भी आप सबसे अपील करती है कि सभी इस कार्य में नगर निगम का सहयोग करें। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें, कचरा बाहर सड़कों पर ना फेंकें और अपने घर, दफ्तर और दुकानों से निकलने वाले कचरे को स्वच्छता दीदियों को ही दें। आज हमारे नगर निगम परिषद में हम लोग स्वच्छता प्रभारी और हमारे निगम के टीम और पार्षद लोग के साथ हरी झंडी दिखाया गया है और ख़ास करके ये हमारे स्वच्छता रैंकिंग के लिए हरा झंडी दिखाकर जनता को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हर वार्ड में किया जा रहा है। अभी चक्रधर नगर में कार्यक्रम करेंगे और साथ में वहाँ जनता को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम करेंगे नाटक के माध्यम से। और जैसे कि मैं सभी जनता से अपील करूंगी कि पिछले बार भी उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया था हमारे नगर निगम को, तो इस साल भी स्वच्छता रैंकिंग के लिए बहुत हमें सहयोग करें ताकि हमारा रायगढ़ नगर निगम रायगढ़ शहर स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 आ सके। किस तरह से अपील किया जा रहा है? जैसे कि हमारे स्वच्छता दीदी हर घर पहुंच रहे हैं तो उसमें कचरा को पृथक पृथक करके अलग अलग कचरा कर दे और रिक्शा गाड़ी में ही दे, कहीं इधर उधर ना फेंके। इसी तरह से हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं लगातार और सभी के बीच जाके हम हर घर में खटखटा के उनसे जागरूकता फैलाया जा रहा है ताकि कचरा को डस्टबिन में रख कर हमारे स्वच्छता दीदी को ही दे। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ स्वच्छता जागरूकता रथ निकाला जाता है ताकि लोगों को एक जानकारी हो नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को लेकर के कितने जागरूकता नगर निगम में है, और हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि वो भी जागरूक बने क्योंकि शहर हमारा जितना है उतना ही सभी का है। हम और शहर की जनता जब मिल करके शहर को स्वच्छ बनाने के लिए निकलेंगे तभी हमारा शहर स्वच्छ होगा। सभी जनता से अपील है कि अपने अपने घर से निकलने वाले गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग डब्बा में डस्टबिन में डालें। नगर निगम द्वारा उन्हें पूर्व में दिया गया है 2 डब्बा, एक में गीला और एक में सूखा, तो सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि वो अलग अलग कचरा को डाल कर दें जिससे सही निपटान हो सके और पूरा शहर में कचरे का जो ढेर आज दिखता है वो ढेर ना दिखे, शहर हमारा स्वच्छ हो, रायगढ़ स्वच्छ हो, क्योंकि रायगढ़ से ही हम सबकी पहचान है। अगर आप और हम मिल करके शहर को स्वच्छ बनाएंगे तो हमारी पहचान और रायगढ़ का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में पूरे भारत में लिखा जाएगा। तो आप सबके सहयोग से ही रायगढ़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं शहर की सभी जनता से अपील करता हूँ कि वो अपने घर से निकलने वाले कचरे को नाली में ना डालें, अनंतर ना फेंकें, उसे एकत्रित करके रखें और जब हमारी स्वच्छता दीदी उनके चौखट पर जाती है, दरवाजे पर जाती, बिसील बसता है तो घर से निकल करके उन्हें कचरा जरूर दें ताकि आपका वार्ड शहर सुरक्षित और स्वच्छ और सुरक्षित रह सके। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन 24।